everyone, welcome back to your own real homemaking channel. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे और इस festive season को enjoy कर रहे होंगे खूब सारी मिठाइयाँ और दियों के साथ. तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ दीपावली की. भगवान करे कि आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए, हेल्थ आए और आपके बच्चे हमेशा हंसते खेलते रहें, आप लोग खूब खुश रहें, खूब सारा आपके घर में धन आए और आपका पूरा घर संसार खुशियों से भर जाए. तो मेरी यही कामना रहेगी भगवान के सामने सभी के लिए. और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी दिवाली शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ. मैंने थोड़ा बहुत सामान खरीदा है दिवाली पर, तो सोचा इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज छोटी दिवाली है, जब मैं ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ तो मैंने धनतेरस पे दिखाती हूँ अपने घर के लिए क्या क्या खरीदा है. ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ब्यूटीफुल से दिए जो मैं खरीद के लाई हूँ बड़ी दिवाली के लिए. ये बहुत ही सुंदर दिए हैं, कलरफुल दिए. इस बार मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं सिंपल दिए लूँ और उनको डेकोरेट करूँ, तो मैंने सोचा चलो मार्केट से ही खरीद लेती हूँ. और धनतेरस के अवसर पर कुछ चांदी या सिल्वर या किचन वेयर लिया जाता है, तो मैंने ये एक मेश ली है. हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक गैस स्टॉप है तो उसमें हमें रोटी सेकने के लिए इस तरीके का मेश चाहिए होता है. मेरा मेश ख़राब भी हो रखा था तो मैंने कल ये एक मेश लिया. और लास्ट में मैंने लिया है ये तड़का पैन, विनोद का है, इंडियन स्टोर से लिया है और बहुत ही अच्छा लगा विनोद का सामान यहाँ देख कर. तो ये बहुत ही सुंदर सा तड़का पैन है, अभी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ. ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा तड़का पैन मुझे लगा तो मैंने कहा चलो एक ये ले लेते हैं. मेरी लास्ट इंडिया हॉल वाली वीडियो में आप सब बोल रहे थे कि मैंने अंशुल के लिए कुछ भी नहीं लिया इंडिया से, तो मैंने सोचा इस बार जब मैं दिवाली शॉपिंग करूंगी तो सबसे पहले उनके लिए कुछ लूंगी. तो मैंने लिया है ये कोट उनके लिए, बहुत ही सुंदर सा कोट है, बहुत थिक है एंड मुझे लगा कि ये परफेक्ट गिफ्ट रहेगा उनके लिए दिवाली पर. अभी मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ. ये देखिए, ये कैजुअल वेयर है और मुझे लगा कि वो ऑफिस वगैरह पे पहन के जा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा था उनके ऊपर. एंड ये राल्फ लॉरेन ब्रांड का मैंने लिया था, काफ़ी अच्छा सा कोट है, काफ़ी थिक है और यहाँ के विंटर्स के लिए तो ये परफेक्ट गिफ्ट है उनके लिए. गोविंद के लिए भी इस बार मैंने कपड़े नहीं लिए बिकॉज उसको कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी, उसको थिक जैकेट्स की ज़रूरत थी. तो ये मैंने एक उसके लिए स्नो सूट लिया है, ये जैकेट एंड स्नो पैंट्स के साथ आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा है. और ये मैंने कॉस्को से लिया उसके लिए, मुझे लगा कि ये सब शॉपिंग कर लेती हूँ तो काम की चीज़ भी आ जाएगी और दिवाली गिफ्ट भी हो जाएगा. तो ये मैंने 3T का लिया है उसके लिए एंड कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लगा, ब्लू कलर है और उसे ब्लू तो बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको पसंद करा के ही मैंने ये दिलवाया है उसको. तो ये देखिए, ये 32 डिग्रीज, इसे शायद 32 डिग्रीज बोला जाता है इन सब कोट्स को, ये काफ़ी ज़्यादा ठंड में भी बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखते हैं बच्चों को. और जो इसकी स्नो पैंट है ना वो बिब वाली है, लाइक स्ट्रैप्स वाली है, तो बच्चों की वो फॉल ऑफ नहीं होती जो कि बेस्ट है. तो ये सब चीज़ें अब यहाँ पर ज़रूर काम आएंगी, इसलिए मैंने ये ली है एक उसके लिए. और एक मैंने ली है ये जैकेट उसके लिए, ये देखिए, ये भी मैंने कॉस्को से ही ली है. कॉस्को पे बाय द वे बहुत अच्छी अच्छी जैकेट्स आ गई हैं बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, शूज़ आ गए हैं. तो अगर आपको विंटर शॉपिंग करनी है तो आई वुड सजेस्ट गो टू कॉस्को, आपको अच्छे दाम पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी. तो ये देखिए, एक ये जैकेट मैंने ली है, काफ़ी मोटी सी जैकेट है, अभी तक मैंने उसे पहनाया नहीं है. और ये मैंने 40 साइज़ में ली है बिकॉज थोड़ा सा ऐसा यू नो ग्रोइंग बच्चा है तो बहुत जल्दी आउटग्रो हो जाते हैं कपड़े, तो मैंने सोचा एक थोड़ा सा बड़ा साइज़ का ले लेती हूँ क्योंकि 3T की जैकेट्स हैं उसके पास, दो ऑलरेडी मैंने पहले ही खरीद ली थी. तो एक ही मैंने थोड़ा सा बड़ा जैकेट उसके लिए लिया है. इस बार जो मैंने अपने लिए शॉप किया है वो लास्ट के लिए रखा है दिखाने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपने लिए क्या लिया है. आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये एक इंस्टाग्राम स्टोर है तराली ज्वेलरी, मैंने वहाँ से बहुत सारी ज्वेलरी अपने लिए मंगाई है. पहले मैं आपको पीसेस दिखाती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी डिटेल आपके साथ डिस्कस करूँगी. तो ये देखिए, पहले पीस मेरा ये है ईयरिंग्स का, बहुत ही प्रिटी पीस मुझे लगा तो मैंने सोचा ये बाय करती हूँ. एक्चुअली जो साड़ी मैंने करवा चौथ पे पहनी थी मैंने उसके मैचिंग के ये इयररिंग्स लिए हैं, और वैसे भी ब्लू कलर के मेरे पास और भी सूट हैं तो ये उनके साथ भी चला जाएगा. तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगे थे, थोड़े से हैवी लुक में हैं तो फेस्टिव फील देते हैं पहनने के बाद, ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आता है. एंड आजकल ऐसे चल भी रहे हैं पर्ल्स वाले, तो मैंने ये पीस लिया है.
उसके बाद ये सेकेंड पीस है जो मैंने लिया है तराली ज्वेलरी से, वेरी वेरी प्रिटी झुमकियाँ। झुमकियों का आजकल बहुत ज़्यादा फैशन आ गया है, डिज़ाइनर झुमकी है ये, देखिए ऊपर इसमें ये पूरा पर्ल का राउंड लगा हुआ है और स्टोन वर्क है, एंड नीचे इसमें और भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे बट मैंने ग्रीन अपनी एक साड़ी से मैच करते हुए लिया है। एंड ये झुमकी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी, मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। उसके बाद एक गोल्ड लुकिंग ईयरिंग्स मैंने लिए हैं, एंड दीज ईयरिंग्स हैव माई हार्ट। सबसे फेवरेट ईयरिंग्स मेरे यही हैं, बहुत ज़्यादा स्लीक सा डिज़ाइन है, डेली वेयर टाइप है, आप सूट के साथ, साड़ी के साथ या कैजुअल जीन्स टॉप के साथ भी इसे पहन सकते हो। और इनके सबके प्राइजेस मैं नीचे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी उनके वेबसाइट से ऑर्डर की थी। आजकल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा था इंडिया जाने के बाद, जब मैंने अपनी भाभी को देखा उनके पास बहुत सारे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के पीसेस थे, तो मेरा हमेशा से मन था कि मैं भी अपने लिए लूँगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ ईयरिंग्स लिए हैं, ये देखिए बहुत ही प्रिटी ईयरिंग्स हैं, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और अगर आपने मेरे लास्ट टू वीडियोस में नोटिस किया होगा तो मैंने जो ज्वेलरी पहनी थी वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए ये वाला ईयरिंग मैं आपको ऑलरेडी, आप अगर मेरी दिवाली डेकोर वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने ऑलरेडी ये पहना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा है, एलिफेंट बने हुए हैं, एंड अगेन झुमकी स्टाइल है, बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल आपको पहन के पता नहीं चलेगा बट देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये मैंने एक लिया, और उसके बाद एक ये लास्ट पीस मैंने लिया ये वाला झुमकी का। मैंने इस बार झुमकी के डिज़ाइन ज़्यादा पसंद किए हैं क्योंकि मुझे झुमकी पहनने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चढ़ गया है। तो ये देखिए ये झुमकी है, और इसका ये वाला पार्ट है ना जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अपीलिंग लगा, ग्रीन एंड कुछ रूबी कलर का है, और ये बहुत ही प्रिटी झुमकी है, पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपने मेरा इंडिया हॉल वीडियो देखा होगा उसमें ये झुमकी मैंने पहनी थी। और एक चीज़ मैंने और उनके वेबसाइट से मंगाई है, वो है ये प्रिटी सा स्लीक मंगलसूत्र। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो अगर और आपने मेरा करवा चौथ वाला वीडियो देखा होगा, करवा चौथ हॉल, तो उससे आपको पता होगा कि मुझे स्लीक मंगलसूत्र बहुत पसंद है। तो ये छोटा सा प्यारा सा डिज़ाइन है मंगलसूत्र का जो मैंने वहाँ से मंगाया है, एंड इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट। जो मंगलसूत्र पहनना पसंद करते हैं डेली में और हैवी ज्वेलरी नहीं पहनना पसंद करते तो उनके लिए परफेक्ट है। और उसके साथ मंगलसूत्र के साथ ये ईयरिंग्स भी आते हैं स्टड फॉर्म में, ये देखिए ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे डेली यूज़ के पर्पज़ के लिए, बहुत लाइट वेट है, अगेन डेली यूज़ का ही है ये सामान। तो ये कुछ ज्वेलरी थी जो मैंने तराली ज्वेलरी से ऑर्डर की थी, एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ज्वेलरी स्टोर इज़ कि यहाँ पे शिपिंग के चार्जेस बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है। अगर आप $49 से नीचे का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो दे विल चार्ज जस्ट $3 फॉर शिपिंग ऑल ओवर US, और अगर आप $49 से ऊपर का सामान मंगाते हैं तो आपकी शिपिंग फ्री हो जाएगी। और मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको बेस्ट पीस कौन सा लगा। इस ज्वेलरी स्टोर की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड फॉर नाउ अभी ये लोग सिर्फ US में शिप करते हैं, तो मेरे जो US के फॉलोवर्स हैं इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, फेसबुक पेज चेक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज चेक कर सकते हैं, और अपने लिए कुछ ऑर्डर भी कर सकते हैं। अमेजिंग ज्वेलरी पीसेज हैं, मैं एक्चुअली खुद इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हूँ, और जब भी मैं इनकी ज्वेलरी देखती हूँ स्टोरीज़ में हर रोज़ नई नई ज्वेलरी, तो मेरा मन ललचाता रहता है कि मैं ये वाला पीस भी ऑर्डर कर लूँ, ये वाला पीस ऑर्डर कर लूँ। सो मे बी समटाइम इन फ्यूचर मैं अगेन आप लोगों के लिए एक बड़ा सा ज्वेलरी हॉल करूँगी। तो आज है छोटी दिवाली और हमारे यहाँ पर आज सब फ्रेंड्स ने मिलके दिवाली पार्टी रखी है, तो मैं भी आपको अंदर लेकर चलती हूँ और अपने एथनिक वेयर का पूरा पिटारा दिखाती हूँ, और आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं कल दिवाली पर क्या पहनूँ, बिकॉज आज तो ये वीडियो लाइव नहीं होगी वरना मैं आज का भी सजेशन आप लोगों से ले लेती। तो मैं दिखा देती हूँ कि आज मैं दिवाली पार्टी पर क्या पहनने वाली हूँ, और कल के लिए मेन दिवाली पूजा के लिए अपने घर पे मेरे पास दो साड़ियाँ हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन सी वाली पहनूं। तो ये देखिए ये है मेरा सारा इंडियन एथनिक वेयर का पिटारा, इसमें से मैं आपको जो मेरी दो साड़ियाँ हैं जो मैं कल कन्फ्यूज्ड हूँ पहनने के लिए वो दिखाती हूँ, और हेल्प करिएगा बताइएगा कि मैं कौन सी वाली पहनूँ।
मैं ये वाला प्लास्टिक बैग इसी बार इंडिया से लेकर आई हूँ, और अगर आपके पास इस तरीके के बैग होते हैं ना, तो आपके जो हैवी क्लोथ्स हैं ना, वो आप अच्छे से इसमें स्टोर कर सकते हैं। पहले मेरे पास ऐसे इंडिविजुअल बैग्स थे। ये मेरी करवा चौथ की साड़ी है, और अगर आपने करवा चौथ व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही प्रिटी साड़ी है, बट हैवी बहुत है, तो मैं अभी तो दिवाली पे इसे नहीं पहनूंगी दोबारा से, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कल के लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो एक मेरे पास ये वाली साड़ी है, ये देखिए, ये ग्रीन एंड रेड एंड येलो कॉम्बिनेशन में है। नैली सिल्क की साड़ी है, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी तीज पर, हमारी शादी से पहले जो तीज पड़ी थी उस पर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी। तो एक ये साड़ी है ऑप्शन में, और एक ये वाली साड़ी है, ये भी नैली सिल्क की है, और ये मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। ये भी बहुत अच्छी सी है, और इसका भी जैसे ये बॉर्डर है, ये कलर मुझे बहुत पसंद है। इसका सिंपल प्लेन ब्लैक ब्लाउज़ है, ये एकदम ब्रांड न्यू है, मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहनी है, और ये मैंने सिर्फ एक बार पहनी है, सिर्फ एक डेढ़ घंटे के लिए। तो मैं इन दोनों साड़ियों में कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं कौन सी वाली पहनूँ, मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड हेल्प करिएगा। वैसे मैंने अंशुल से पूछा था तो वो कह रहे थे कि ये वाली साड़ी पहनना, क्योंकि दिवाली है तो ये वाले कलर्स जो हैं थोड़े से पूजा पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बट पर्सनली मुझे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आप लोग जो बोलेंगे मैं वो वाली पहनूंगी, ये वाली या फिर ये वाली, ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर। और आज हम लोग दिवाली पार्टी पे जाने वाले हैं, तो उसके लिए मैं ये वाली कुर्ती सोच रही हूँ पहनने के लिए। आपने देखी हुई है ये वाली कुर्ती, एक व्लॉग में मैंने पहनी थी, अगर वो वाला व्लॉग भी आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ज़रूर देखिएगा। वैसे आप मेरे इंडिया के सारे व्लॉग्स देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सारे कपड़ों की शॉपिंग की है, बहुत सारे नए नए इंडियन एथनिक वेयर पहन के दिखाए हैं आपको, तो आपको सारे मेरे आउटफिट्स दिख जाएंगे उनमें। तो ये वाली कुर्ती जो है मैं आज दिवाली पार्टी पे पहन के जाने वाली हूँ, और गोविंद की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि उसको कुर्ता वगैरह ना पहनाऊँ, थोड़ा सा उसे पैक करके लेके जाऊँ, क्योंकि उसको थोड़ा सा कल रात से फीवरिश है, तो उसका मैं सोचूंगी। और अंशुल के लिए भी अभी कोई मैं कुर्ता निकालती हूँ मैचिंग का, या तो ब्लू या ऑरेंज, या फिर एक पिंक कुर्ता मैं लेकर आई थी इंडिया से उनके लिए इस बार। हाँ, ये रहा ये वाला कुर्ता, चिकनकारी का कुर्ता, ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से डिटेल में दिखाया था लखनऊ से चिकनकारी शॉपिंग व्लॉग जो मैंने बनाया था उसमें। तो मैं सोच रही हूँ कि ये आज पहने अंशुल, या फिर कल दिवाली वाले दिन नया नया पहने, पता नहीं, देखते हैं, जो वो डिसाइड करेंगे आज वो पहनेंगे। और आज के पार्टी की फ़ोटो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इस व्लॉग के एंड में शेयर करूँगी। एंड इसके साथ इस वीडियो को यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ आपको ये सिंपल सा मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, शॉपिंग पसंद आई होगी, और आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी चीज़ लगी वो मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। और इसी तरीके से वीडियोज़ को पसंद करते रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फेस्टिव सीज़न इन्जॉय करते रहिए। एंड इसी के साथ आज की वीडियो में मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर से मिलूंगी एक और बहुत ही अमेजिंग व्लॉग में, दिवाली व्लॉग में। उसके लिए वेट करिएगा, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि दिवाली व्लॉग आप लोगों के लिए चैनल पे अपलोड करूं। फिर से मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय, हैप्पी दिवाली टू यू फ्रॉम माय साइड एंड माय फैमिली, बाय बाय। Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time.